नंबर टू जो आपने कहा कि पीसफुली हम आराम से समझ करके चीज़ों को आगे बढ़ते चले जाए तो हमेशा पीसफुल भी नहीं रह सकते वॉट इज पीसफुल तो बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है हो सकता है आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा कि कभी हम बिल्कुल ही पीसफुल हो जाते हैं स्पेशली जब हम कोई बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या आप मानो कि मैंटली हमने बहुत ज़्यादा काम किया या बहुत ज्यादा बिजी थे फिर एकदम से ही वो जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो गया या वो जो काम करना था वो हो गया पूरा उसके बाद में एक शांति होती है पीस होती है सो so, वो पीस कब मिलती है हमको पीस क्या होती है पीस इज नॉट बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट ऑफ डिजायर पीस को हम क्या समझते हैं कि जब हमारा ये जो डिजायर है वो पूरा हो जाएगा तब मैं पीसफुल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मेरे को पीस कैसे मिली उस डिजायर को पूरा करके आपने भी इस चीज को नोट किया होगा कि जैसे बाई प्रोफेशन यू आर अ डॉक्टर राइट तो आपने अभी नोट किया होगा बिकॉज ऑफ कोविड आप बहुत ज्यादा आपने काम किया होगा आई एम श्योर राइट आपने अपनी लिमिट्स को बहुत ज्यादा पुश किया होगा इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ जो भी कुछ आप देख रहे थे चारों तरफ राइट right? हॉस्पिटल्स में पे पे वहां तो जब वो सब हो जाता है जब आप एक एक्टिविटी कर लेते हो जब पूरी तरह से बिजी रहते हो फिजिकली मेंटली किसी काम में और वो काम पूरा हो जाता है तो क्या होता है कुछ टाइम के लिए अंदर एक सेटिस्फैक्शन मिलता है हमको एक शांति होती है वो कुछ टाइम तो रहती है कुछ घंटे या कुछ दिन या मैक्सिमम कुछ हफ्ते वो भी मैंने मैक्सिमम बोल दिया फिर क्या होता है वापस से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है वापस से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे ही होता है ना अब हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से और दूसरों से कि ऐसा कैसे हो कि हम हमेशा पीसफुल रहे तो उसका जवाब यह है कि अगर आपके अंदर कोई डिजायर नहीं होगा तो कोई डर भी नहीं होगा तो अपने डिजायर से फ्री हो जाओ तो पीस बनी रहेगी ये है इसका आंसर 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 मैथमेटिकल साइंटिफिक जितने भी अनफुलफिल्ड आपके डिजायर्स हैं उतने ही आपके फियर्स भी हैं उन्हीं चीजों से रिलेटेड आपको डर लगता है जिसका डिजायर होता है वरना डर भी नहीं लगता है जैसे अगर किसी इंसान से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो उसी के तो खोने का डर लगता है आपको अगर किसी से प्यार ही नहीं करते हो तो खोने का क्या डर है वो आए जाए क्या फर्क पड़ता है तो एक्चुअल में हम क्या ढूंढ रहे हैं हर इंसान क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मैं हमेशा खुश रहूं हमेशा शांत रहूं और माइंड की वो जो स्टेट होती है एक कामनेस की एक ऐसी स्टेट जिसको हम खुशी भी नहीं कह सकते लेकिन ये कह सकते हैं कि सब कुछ रुका हुआ है ठहरा हुआ है एंड वी आर फीलिंग गुड बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम कई दिन से सोए नहीं है ढंग से तो जैसे हमारी बॉडी क्रेव कर रही होती है नींद के लिए तो, तो वैसे ही हम सब जाने या अनजाने इस स्टेट के लिए क्रेव करते रहते हैं बट रास्ता हम क्या निकालते हैं अपने डिजायर्स को पूरा करके हमको शांति मिलेगी खुशी मिलेगी ये मिलेगा वो मिलेगा वट एक्साइटमेंट मिलेगा प्लेजर मिलेगा तो अपने छोटे छोटे डिजायर्स बड़े बड़े डिजायर्स अनलिमिटेड जो डिजायर्स है उसको हम एक करके पूरा करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा डिजायर है या कितना छोटा डिजायर है उतनी देर के लिए सेटिस्फैक्शन रहता है जब वो अचीव हो जाता है वो पूरा हो जाता है तो जैसे खाना खा लेते हैं तो कुछ देर के लिए पेट भर जाता है सेटिस्फैक्शन तो। मिल गया ना खाना खा लिया सेटिस्फैक्शन मिल गया कुछ घंटे के लिए फिर भूख लग जाती है तो ये तो हो गया फिजिकली बायोलॉजिकली बिल्कुल ऐसे ही आप देखो मेंटली किसी इंसान को भूख हो प्यास हो और दो दिन से पानी ना मिले तो उसकी क्या हालत हो जाएगी तड़पेगा ना वो अब वहां पे पीस कहां है सेटिसफेक्शन कहाँ हैप्पीनेस कहाँ है ये सब बातें हैं अब अगर वो इंसान मेरे से पूछेगा आकर के मुझे बहुत प्यास लगी हुई है लेकिन कोई ऐसा तरीका बता दो कि मेरे को ना पानी के लिए जो एफर्ट करना है वो ना करना पड़े बस मेरा मन शांत हो जाए मेरे को खुशी मिल जाए तो फिजिकली तो क्या होता है कि एक ऐसा पानी है जिससे प्यास बुझ जाती है साइकोलॉजिकली ऐसा कोई पानी नहीं है तो फ्रीडम फ्रॉम डिजायर और ध्यान से समझना जब मैं डिजायर वर्ड यूज कर रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं अब इसको भी अगर आप एक्सट्रीम में पुश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप कहोगे अच्छा इसका मतलब हमारे अंदर कोई डिजायर होना ही नहीं चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए होना चाहिए बिना डिजायर के आप एक्शन कैसे लोगे जैसे जानवरों में डिजायर नहीं होता है बस बायोलॉजिकल डिजायर होते हैं साइकोलॉजिकली कोई डिजायर नहीं होता है तो वो एक्ट भी नहीं करते उस डायरेक्शन में उनका पेट भर जाए वो खुश है राइट उनको और कुछ नहीं चाहिए तो वो पीसफुल है तो अब इंसान को ऐसी पीस नहीं मिल सकती जैसी जानवरों को मिलती है वो इंसान की किस्मत में नहीं है क्यों क्योंकि इंसान के पास में थॉट्स है थिंकिंग एबिलिटी है ना ये ब्रेन है ना जो 24 घंटे एक्टिव रहती है एक्सेप्ट कर नहीं बिल्कुल नहीं व्हाई टू एक्सेप्ट व्हाई आर वी सो ईगर टू एक्सेप्ट व्हाट इज नॉट गुड ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर किसी को ट्यूमर है किसी पेशेंट को तो एज अ डॉक्टर आप क्या कहोगे कि अपने ट्यूमर को एक्सेप्ट कर लो या फिर एज अ पेशेंट वो आपके पास में आया है और आप एक सर्जन हो तो आप कहोगे कि आई सी वॉट बेस्ट आई कैन डू मैं देखती हूं yeah. कि क्या yeah. किया जा सकता है इसको कैसे हटाया जा सकता है या क्या मेडिसिन ली जा सकती है कैसे करें तो यहां पर ट्यूमर क्या है यहां पर यह बीमारी क्या है डिजायर कौन सा डिजायर सेल्फ सेंट्रिक डिजायर मैं से रिलेटेड डिजायर मैं ये हूं और मुझे ये चाहिए फिर मुझे वो चाहिए मुझे ये नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला ये सारे डिजायर्स हमको एक भिखारी के जैसा बना देते हैं बस मांगते ही रहते हैं मरते दम तक सब मांग रहे हैं ध्यान से देखो कहीं पर भी चले जाओ लाइनें लगी हुई हैं लोगों की और सब मांग रहे हैं लाइन में सब खड़े हैं सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं चाहे एज कम है चाहे ज्यादा है डिजायर्स पूरे होते ही नहीं है एक पूरा करने जाओ हजारों नए खड़े हो जाते हैं तो अब क्या करें वॉट टू डू पहले तो दोनों में फर्क को समझो एक है बायोलॉजिकल एक है साइकोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल डिजायर हैं उसको आप नीड बोल सकते हो दैट इज नीड दैट इज नॉट अ डिजायर खाना पीना वो डिजायर नहीं है वो नीड है ऐसे ही पैसा नीड है पैसा कोई डिजायर नहीं है क्योंकि पैसे से ही खाना पीना मिलेगा रहना मिलेगा घर मिलेगा कपड़े मिलेंगे एजुकेशन मिलेगी जो भी सर्वाइवल के लिए हमको चाहिए वो सब मिलेगा किससे मिलेगा पैसे से तो पैसा क्या हुआ नीड हो गया बट ये डिजायर्स क्या हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं पोजीशन पावर स्टेटस सर आपकी इतनी वीडियोस देखी इतनी ज्यादा वीडियोस मैंने देखी है है और इवन रिपीट भी करी तीन चार बार पर सर ये चीज तो जाती नहीं है ये जाएगी नहीं जब तक कि आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछोगे मेरी वीडियो से क्या होगा एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके अंदर फीड हो रही है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली क्या है वो एक तरह की पॉइंटिंग है मैं मतलब आपको इशारा कर रहा हूं किसी तरफ अगर उस इशारे को आप समझ जाओ तो काम हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं देखो चांद वहां पर है तो आप क्या कर रहे हो आपने मेरी उंगली को ही पकड़ लिया है आप कह रहे हो वाह उंगली कितनी अच्छी है या उंगली कितनी गंदी है राइट वो ये नहीं देख रहे कि मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूं मैं चांद की तरफ इशारा कर रहा हूं तो उधर देखो ना तो मैं क्या कह रहा हूं अपने आप से क्वेश्चन पूछो वे मैं कौन हूं क्या हूं तो जब उसको हम एक्चुअल में पूछेंगे और उसमें उतना ही एफर्ट लगाएंगे उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने में जितना कि हम इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए लगाते हैं जितना एफर्ट करते हैं तो फिर उसके आंसर्स मिलने लग जाएंगे देन यू विल बी फ्री फ्रॉम योर सेल्फ फिर क्या बचा रह जाता है फिर जो बचा रह जाता है उस लेवल पर कोई सफरिंग नहीं है कोई दुख नहीं है सर मुझे ना इसमें यह पूछना है कि अगर ओ एम आई वाला अगर हम क्वेश्चन पूछते भी है मुझे उसका ना ये समझ नहीं आता कब तक हम पूछे क्या ड्यूरेशन हो किस टाइम हम ये पूछे हाफ एन आवर में दू कब पूछू मैं ये क्वेश्चन हर दिन आधा घंटा देती रहूं इसको पूछने के लिए फिर तो खुद ही लगेगा मैं बेवकूफ हूँ क्या आधा घंटा रोज वेस्ट कर रही हूँ हुए माए पूछने में बिकॉज टू बी मतलब यहाँ पे मतलब टाइम मैनेजमेंट वाला जो चीज है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये बिल्कुल ऐसा है कि आप मेडिकल फील्ड से हो और अपने आप से कोई क्वेश्चन पूछते चले जा रहे हो मैं सर्जरी कैसे करूं सर्जरी कैसे करूं सर्जरी कैसे करूं तो अगर सौ साल तक भी पूछते रहोगे तो कोई आंसर नहीं मिलेगा ना अगर ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपके अंदर आया तो आप क्या करोगे पहले मैं वीडियोस देखूंगी जिन लोगों ने सर्जरी करी हुई है इनिशियल स्टेज पे कि कैसे करते हैं बिकॉज अगर ये पूछती रहूंगी तो आंसर जब तक नहीं आएगा जब तक मेरे हाथ में कुछ होगा नहीं इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे कुछ देखूंगी नहीं नहीं क्लू मिलेगा मेरे को अगर आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी दे दिए जो भी चाहिए सर्जरी हाँ। के लिए और हाँ। एक बॉडी भी दे दी जाए सर्जरी करने के लिए और हाँ। आपने कुछ वीडियोस देख ली तो क्या सर्जरी कर दोगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस किस पे करोगे ऑन दैट बॉडी जो मिली है ध्यान से समझने की कोशिश करना आपने क्या किया आपने किसी ऐसे इंसान से सीखा किसी ऐसे इंसान से क्वेश्चन पूछा हाँ। जो कि ऑलरेडी उसमें एक्सपीरियंस्ड है उसको एक्चुअल में पता है कि सर्जरी कैसे करते हैं सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं प्रैक्टिकली भी उसको पता है फिर चाहे आपने ऑनलाइन सीखा या पर्सनली उनसे मिलकर क्वेश्चन पूछे और अपने डाउट्स को क्लियर किया क्योंकि तो जब ये क्वेश्चन पूछोगे सर्जरी कैसे करनी है तो बहुत सारे डाउट्स भी तो आएंगे ना या अगर आप एक्चुअल में करोगे तो क्या होगा कि आप कर रहे होंगे और कुछ सही करने की कोशिश करोगे कुछ गलत हो जाएगा खुद एक्सपेरिमेंट करने लग गए तो हो सकता है वो बॉडी की डेथ ही हो जाए सो so, यहां पर क्या है इसमें हुए माय वाले क्वेश्चन में जो बॉडी है वो आप खुद हो अब वो एक्सपीरियंस पर्सन कौन है जिसने खुद के ऊपर ये सर्जरी कर रखी है एक तरह की सर्जरी है ये जैसे कुछ काटना होता है कुछ निकालना होता है फिर अंदर से आप समझे आप डीप में जा रहे हो ना ये गोइंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम और जड़ से उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो ऐसे ही ये जो मैं है इसकी जड़ में जो लोग गए हैं पास्ट में कोई एक दो लोग नहीं है बहुत लोग हैं उनसे पूछो ना ये सवाल अब सवाल उठेगा कहां जाकर के पूछू कहां से ढूंढू अरे तो ढूंढो अगर आपके अंदर से ये उठेगा सवाल कि मैं जानना चाहती हूं तो बहुत लोगों की बुक्स मिल जाएंगे आपको मैं आपको आंसर दे सकता हूं बट मैं क्यों दू कि कौन है वो लोग खुद फिगर आउट करो ढूंढो कि कौन जेन्यन है कौन फेक है जैसे फॉर एग्जांपल सर्जरी की फील्ड में भी मेडिकल फील्ड में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास में कोई डिग्री नहीं है ना ही कोई एक्सपीरियंस है बस कहीं से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और कहां से पढ़ लिया है? गूगल से ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है लोग जाते हैं डॉक्टर के पास में पूछने के लिए नहीं कि मुझे क्या बीमारी है बताने के लिए कि मुझे ये बीमारी है डॉक्टर पूछता है तुम्हें कहां से पता लगा मैंने पढ़ लिया गूगल पे तो डॉक्टर से पूछ थोड़ी रहे हैं बता रहे हैं ऐसा होता है नहीं होता है सवाल उठता है कि ये क्वेश्चन के एंड तक कैसे जाएं गूगल नहीं बता पाएगा तो कौन बता पाएगा लास्ट में कुछ लोग हुए हैं जो इस मै की डेप तक गए हैं जिसने इस मै की सारी लेयर्स को एक एक करके हटाया है देखा है उनकी बात को ध्यान से सुनो समझो कि वो क्या कह रहे हैं जो भी अपने प्री कंसीव नोशन है उसको छोड़ करके कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे जो आपके पेशेंट्स करते हैं यानी कि वो खुद को डॉक्टर समझते हैं थोड़ा बहुत पढ़ करके और फिर डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि आपको कुछ नहीं पता मैं बता रहा हूँ ना मुझे क्या है ये आप क्या बताओगे ये जो मैं बता रहा हूँ वो क्यों नहीं करते मुझे ये वाली दवाई क्यों नहीं देते और ये दवाई क्यों दे रहे हो उनको डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है वो खुद को डॉक्टर समझ रहे हैं क्या करके थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ करके कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हो Yes, आपको ये तो नहीं लग रहा है कि हाँ मुझे पता तो है मैं कौन हूँ इसको जान के क्या yes. हो जाएगा वो मुझे क्या बताएगा या फिर ये पूछना इम्पोर्टेंट भी है नहीं है इसको अगर आप एक्चुअल में समझना चाहते हैं क्योंकि दुनिया में जो मर्जी कर लो जो मर्जी समझ लो जब तक खुद को नहीं जानते किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है खुद को जानना तो बनता है ना आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना आप हो कौन yes. तो अपने दिमाग में ये मत बिठाओ कि इसको जानना बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है हो सकता है चार दिन में ये काम खत्म हो जाए अगर ध्यान से सुन लो तो और ध्यान से ना सुनो किसी ऐसे इंसान की बात जो कि खुद को जानता है या जानती है तो हो सकता है आप कभी भी ना जान पाओ कि आप कौन हो और अगर ध्यान से सुन लोगे तो हो सकता है चार मिनट भी बहुत हो सर ये भी तो है कि ना मतलब इतना अब आने के बाद ना इतने लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी पे ना बिलीव करना बहुत मुश्किल आप कह रहे हो कि मैं बिलीव नहीं कर सकती किसी पर भी तो बिलीव करना क्यों है आपको बिलीव थोड़ी करना है उस सर्जन के ऊपर जो जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर्जरी कैसे करते हैं आप तो देख रहे हो कि वो कैसे जी रहा है क्या उसको एक्चुअल में एक्सपीरियंस है या वो सिर्फ ढोंगी पाखंडी है तो इतनी परख तो करना सीखो कि भाई कौन जेनविन है कौन नहीं है उसकी बातों से नहीं क्योंकि अपने मुंह से कौन कहेगा कि मैं चोर हूं बल्कि जो बार बार कहेगा ना मैं चोर नहीं हूं मैं चोर नहीं हूं वो तो पक्का चोर है मैं बहुत अच्छा इंसान हूं मैं बहुत अच्छा इंसान हूं वो तो पक्का बुरा इंसान है वो ही तो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करेगा दुनिया में जैसे मैं पता नहीं क्या हूं जो एक्चुअल में खुद को जानता होगा वो तो बिल्कुल आपके जैसा ही होगा वो तो बिल्कुल नॉर्मल होगा उसको तो देख करके कर आप कुछ कह ही नहीं सकते कि वो आपसे सुपीरियर नहीं होगा वो ना आपसे इंफीरियर होगा बिल्कुल आपके जैसे ही कोई होगा या होगी तो इस तरह से देखो और समझना शुरू करो तो हो सकता है ऐसे किसी इंसान की बातें अगर आप सुनते हो तो बहुत जल्दी आपको ये चीजें समझ आने लग जाएंगी और एक बार समझ आने लग गई तो अंदर ठहराव आ जाएगा जो मन में उथल पुथल है ना वो थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाएगी और अगर पूरी तरह से समझ आ गया तो मन बिल्कुल ही स्थित हो जाएगा उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ यानी हमारी जो समझ है वो स्थित हो गई है फीलिंग्स और इमोशंस के लेवल पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलता रहता है थॉट्स के लेवल पे चलता रहता है बट अंडरस्टैंडिंग स्टेबल हो जाती है अब ये कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है क्या करना होता है कैसे करना होता है तो जो भी इंसान आपसे कुछ मांग रहा है या आपको कुछ करने के लिए कह रहा है कि ये करो वो करो यहां आओ वहां आओ ये वो वट इट इज मेरी ऑर्गेनाइजेशन है इसको ज्वाइन कर लो देर इज अ अट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो जो इंसान है उसका अपना कोई हिडन मोटिव है तो वो आपको यूज करेगा अपने मोटिव को पूरा करने के लिए तो उस पर मत करो बट अगर दुनिया में कहीं कोई ऐसा इंसान था जिसने कोई बुक लिखी है या जिसकी कहीं कोई वीडियोस है या जो कहीं है इस दुनिया में हो सकता है या था तो ऐसे इंसान की बातें सुनो हो सकता है जितने भी सवाल हैं आपके माइंड में उन सबके जवाब मिल जाए और फिर जब माइंड क्लियर हो जाएगा तो अपना जो काम है या जो अपनी लाइफ उधर ध्यान दो आप कितनी जल्दी फ्री होते हो ये डिपेंड करता है आपके डिजायर के ऊपर कि आपके अंदर कितना डिजायर है खुद को जानने का जैसे कॉलेज में कौन है जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और कौन है जिसको चार साल का कोर्स करने में भी मानो दस साल लग जाते हैं जिसके आग... अंदर डिजायर बहुत ज्यादा होता है जो जल्दी सीखता चला जाता है तो वो जल्दी आगे बढ़ जाता है वो चार साल में कॉलेज से बाहर हो जाता है जिसको कॉलेज में मजा आने लग जाता है वो कहता है छोड़ो ना क्या कर दें यहाँ से निकल के लाइफ बढ़िया तो है तो वो कॉलेज में ही पढ़े रहते हैं दस दस साल तक ऐसे भी लोग होते हैं देखे होंगे आपने तो दो तरह के लोग हैं एक वो जिनको मजा आने लग जाता है सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन में ये वो वटेवर इन सब चीजों में मजा आने लग जाता है तो वो वहीं फंस जाते हैं आगे नहीं बढ़ पाते दूसरे होते हैं जो इन सब चीजों से आगे बढ़ जाते हैं और एंड तक चले जाते हैं मतलब स्पिरिचुअलिटी में क्या करना था अपनी जो गलत समझ है उसको ठीक करना था करना कुछ थोड़ी है कुछ मिलेगा थोड़ी जो आप हो सो हो बस अपनी समझ को ठीक कर लिया जैसे कर लिया तो मन शांत हो गया बस खत्म